क्या आप भी उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। दोस्तों इस टाइम इंटर इंजीनियरिंग कंपनी की वैकेंसी इंडिया में आई हुई है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा है कि भाई हमें इस कंपनी के बारे में सही से जानकारी दो। हमने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे, किसी वीडियो में इस कंपनी को अच्छा बताया जा रहा है, किसी वीडियो में इस कंपनी को खराब बताया जा रहा है, हमें इस कंपनी के बारे में सही से जानकारी दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी में काम करने वाले बंदे क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, इस कंपनी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस कंपनी में काम करने वाले बंदे इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आप भी उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो रोज देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। दोस्तों आपने उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, किसी वीडियो में इस कंपनी को खराब बताया, किसी वीडियो में इस कंपनी को अच्छा बताया, लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी कैसी है, इस कंपनी में काम करने वाले बंदे इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, इसमें काम करने वाले बंदे इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी 2012 में बनी थी और ये कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करती है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का काम करती है और इसमें 10 से 12 हजार आदमी काम करते हैं। और दोस्तों उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है, जैसे मेसन है, स्टील फिक्सर है, कारपेंटर है, शेटरिंग कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, फिटर है, इनकी 10 घंटे की सैलरी लगती है $450 और प्लस आपको खाना कंपनी की तरफ से फ्री रहता है और आपको मेडिकल इंश्योरेंस, रहने के लिए रूम और साइड पर आने जाने के लिए बस कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता है, ऐसा हमारे को बताया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली इस कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है हमको, इस कंपनी में काम करने वाले बंदे इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, चलो आपको बताता हूँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको कुछ कॉमेंट दिखा रहा हूँ, जो कॉमेंट करने वाले बंदे वो आपकी और मेरी तरह हैं और जो जवाब देने वाले बंदे वो इस कंपनी में काम करने वाले बंदे हैं। यहाँ पे एक भाई ने कॉमेंट करके पूछा है कंपनी कैसा है, जवाब मिल रहा है कंपनी ठीक नहीं है, पेमेंट टाइम पर नहीं देती, ड्यूटी जाने के लिए बस नहीं देती, खाना ठीक नहीं है। यहाँ पर एक भाई और कॉमेंट कर रहा है, भाई इंटर इंजीनियरिंग कंपनी कैसा है, सैलरी टाइम पर मिलता है, खाना सब कंपनी का है, मेडिकल कंपनी का है, थोड़ा बताए, जवाब मिल रहा है कंपनी उतना ठीक नहीं है, खाने का प्रॉब्लम है, मेडिकल उतना सुविधा नहीं है, पेमेंट का कोई फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ पे एक भाई फिर से कमेंट करके पूछ रहा है इंटर इंजीनियरिंग कंपनी कैसा है, जवाब मिल रहा है कंपनी उतना ठीक नहीं है, खाने का प्रॉब्लम है, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट सही नहीं है। फिर यहाँ पे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कंपनी कैसा है, सैलरी टाइम पर मिलता है कि नहीं, जवाब मिल रहा है कंपनी उतना ठीक नहीं है, सैलरी एक मंथ का होल्ड करके मिल रहा है। फिर यहाँ पे एक भाई ने पूछा है भाई इंटर इंजीनियरिंग कंपनी कैसा है, जवाब मिल रहा है कंपनी उतना ठीक नहीं है, खाने का बहुत प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया है भाई सैलरी टाइम टू टाइम मिलता है क्या, जवाब मिल रहा है अभी टाइम पे देती है। फिर यहाँ पे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, जवाब मिल रहा है ओवर टाइम नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे एक भाई ने रूम के लिए कमेंट किया है कितना आदमी रहते हैं एक रूम में, जवाब मिल रहा है एक रूम में 16 आदमी रहते हैं। फिर यहाँ पे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है ड्यूटी जाने के लिए बस देता है कि नहीं, जवाब मिल रहा है बस नहीं देता है। फिर यहाँ पे एक भाई कमेंट कर रहा है हेलो भैया इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में डंप ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी है और ओटी या ट्रिप देती है या नहीं देती है, भैया बताना, जवाब मिल रहा है ओटी नहीं है भैया, $450 सैलरी है ड्राइवर की। दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं वो आपकी और मेरी तरह है और जो जवाब दे रहे हैं वो इस कंपनी में काम करने वाले हैं। और दोस्तों इनके नाम को मैंने इसलिए ब्लर किया है ताकि इनको कोई कभी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप खुद अंदाजा लगाएं।
और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख ले। और भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इस कंपनी में जो जो बंदा जा रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको उज्बेकिस्तान की इंटर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।